हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी एमसीक्यू प्रैक्टिस लेक्चर सीरीज। हमारा सॉल्यूशन चल रहा है नीट 2019 का जो पेपर था उसका। लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। एक बॉडी है ए, इसका मास है 4m, दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ u, और वो दूसरी एक बॉडी है बी जिसका मास है 2m, उसके साथ उसका कॉलिजन होता है, दैट गेट्स कलॉइड, राइट? एट द रेस्ट, यहाँ पर सिंपल 4m वाला जो मास है वो मूविंग है और 2m वाला जो मास है वो रेस्ट पोजीशन में है। सो बेसिकली द कॉलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर द कॉलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कॉलाइडिंग बॉडी ए इज। तो सबसे पहले आपको हिंट यहाँ पर से मिलेगी। आप अगर हमारा मॉड्यूल को एक बार याद कर लोगे तो इजीली आपको फॉर्मूला रिकॉल हो जाएगा कि यहाँ पर वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक्स थे उसमें हमने लर्न किया हुआ है कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस बेसिकली होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसका बेस डेरिवेशन हमने किया हुआ है बट द फॉर्मूला मस्ट बी लर्न बाय हार्ट। तो क्या था फॉर्मूला? वो 4m1 into m2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था, m1 plus m2 होल स्क्वायर, राइट? तो यहां पर सिंपली जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी वैल्यूज क्या आएगी, m1 की जगह आप क्या लिखोगे 4m, राइट? ये m2 की जगह आप क्या लिखोगे, दैट इज 2m, राइट? अपॉन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर जब बेस आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर कंसिडर होगा तो आप m1 प्लस m2 की जगह ये 4m और 2m को रखोगे, तो उसके बाद जो एक्सपांशन करोगे उसके बाद जो फाइनल आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा दैट वुड बी 36 मास स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पर सिंपली आप देखोगे तो ऊपर कितना हुआ वैल्यू 32 और m का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हुआ, नीचे बेसिकली यहाँ पर आपको क्या मिलता है 36m2। सो यहाँ पर सिंपली ये 36m2 की जो वैल्यू थी वो कैंसिल हो गई, 32/36, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं 8/9। सो अगर ऑप्शन हम देखें दैट इज टू नंबर, सो टू नंबर इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप रीड कीजिए पहले कि यहाँ पर एक स्विमर है, द स्पीड ऑफ द स्विमर इन द स्टील वाटर इज अराउंड 20 meter per second, राइट? माने यहाँ पर सिंपली स्टील वाटर में हमें स्विमर की स्पीड यहाँ पर अवेलेबल है, द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 meter per second एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। सो सबसे पहले ये एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है डायरेक्शन, दूसरा ये जो दोनों वैल्यू आपको दी गई है उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद क्या लिखा है वो देखो। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, वो बेसिकली साउथ बैंक से है और विशेष टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग विद द शॉर्टेस्ट पाथ, माने वो साउथ बैंक से वो पर्टिकुलरली रिवर को क्रॉस करना चाहता है अलॉन्ग विद द शॉर्टेस्ट पाथ। सो द एंगल एट विच ही शुड मेक्स हिज स्ट्रोक्स, तो उसको कौन से एंगल पर जाना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ विच इज गिवन बाय। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन आपको करवाना चाहूंगा कि पहले हम क्या लिख देंगे, ये नॉर्थ, ये बन गया साउथ, ये हमारा बन गया ईस्ट और ये एक वेस्ट, राइट? सो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने यहाँ पर ले लिया। नाउ इफ आई से कि यहाँ से यहाँ उसको जाना है, साउथ से नॉर्थ की ओर उसको जाना है विथ रिस्पेक्ट टू, तो ऑब्वियसली जैसे हम विस्कस ड्रैग की बात करते हैं, यू कैन ऑल्सो रिकॉल चैप्टर दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। विस्कस ड्रैग माने अगर सीधे सीधा जाएंगे तो फ्लूइड का रेजिस्टेंस वैल्यू कैसा होगा, ज्यादा, तो ऑब्वियसली जितना एंगल बनाकर मूव होगा तो उतने कॉन्सेप्ट में उसको क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। सो ये बन जाएगा एंगल और ये एक पर्टिकुलर ट्राइंगल यहाँ फॉर्मेशन हुआ। बेसिकली हमें क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, है ना, इसलिए सो उसकी वैल्यू कितनी थी 20 meter per second थी, और दूसरा जो स्पीड दिया गया है वो किसका है, वेलोसिटी ऑफ रिवर
माने जो रिवर वाटर फ्लो होता है नेचुरली विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, ग्राउंड आएगा वो, राइट। उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करूँ तो ये सिंपली हम ये जो ट्राइंगल फॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं, तो वो ट्राइंगल फॉर्मेशन में से फिर से एक बार अच्छी तरह से आप आइडेंटिफाई करो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्थ साउथ का रिलेशन, वेस्ट ईस्ट का रिलेशन। तो हमने बोल दिया कि जो विस्कस ड्रैग है उसकी वजह से ये पर्टिकुलर एंगल पर वो बेसिकली मूव होता है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिख दिया, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सो बेसिकली हमने ये उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन बताया। तो यहाँ पर जब हम एक सिंपल वेक्टर एडिशन कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर वी एस जी इज इक्वल्स टू वेक्टर एस आर प्लस वेक्टर आर जी। हमें सिंपली ये फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा, दैट इज नथिंग बट द बेस कॉन्सेप्ट कि हमें यहाँ पर जो अवेलेबल होता है हमारा इक्वेशन वो क्या है, दैट इज वी एस जी वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर वी एस आर प्लस वेक्टर आर जी। ये हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पर अवेलेबल होता हुआ हमें मिलता है, राइट। तो उसके बेसिस में हम सिंपली साइन थीटा, अगर आप साइन थीटा को याद करो तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, अपोजिट अपॉन अपोजिट, अपोजिट माने क्या होगा आर जी, और हाइपोटेनस क्या होगा उसका एस आर। तो अगर मैं अपोजिट लिखूं तो आर जी की वेलोसिटी क्या थी, 10 थी, राइट। और नीचे यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू एस आर की वैल्यू कितनी है, 20। सो बेसिकली ये 20 लिख दिया, तो फाइनली मुझे आंसर क्या मिला, 1/2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर बट ऑब्वियस क्या मिलेगी हमें, 30 डिग्री। तो लुक एट ओवर द ऑप्शन, सो दैट इज वेरी क्लियर विथ अस। ये फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज 30 डिग्री वेस्ट विच इज आइडेंटिफाइड। यस, क्लियर विथ दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 53 नंबर, रीड करो क्वेश्चन। ए मास स्मॉल m इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड वॉल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, माने वायर कब ब्रेक होगा। तो मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि वायर उस पॉइंट पर ब्रेक होगा जहाँ पर उसका टेंशन मैक्सिमम होता है। पहले ये बात समझ दीजिए आपको कि जहां पर उसका टेंशन मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर वायर ब्रेक होगा। तो अभी हमें ये सोचना चाहिए कि टेंशन मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा। सो ऑब्वियसली जहां टेंशन मैक्सिमम होगा उसका ब्रेकिंग का चांसेस मैक्सिमम रहेगा। तो आप इसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हमने कैलकुलेट किए हुए हैं एनर्जी रिलेशन के बेसिस पर। मान लो कि ये बेसिकली हमने एक सर्कुलर मोशन के लिए एक ड्रॉ कर दिया पॉइंट, यहाँ पर मैं एक सेंटर आपको बता देता हूँ। ये सेंटर में से बेसिकली जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, टेंशन फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। यहाँ एक सिंपल मैं आपको टेंजेंट वैल्यू में इंडिकेट कर दूँ, वेलोसिटी कंपोनेंट जो होता है सर्कुलर मोशन फॉलो होगा। तो बेसिकली सेंट्रीपेटल फोर्स को कभी भूलना नहीं है, ऑब्वियसली कोई भी जगह आप ले लो, लेकिन वेट फोर्स ऑलवेज कहाँ पर होगा, डाउनवर्ड पॉइंट पर। एम जी लिख दिया, तो मैंने आपको सिंपली ट्रिक दिया हुआ है, जिसके भी पॉइंट में आपको ये फोर्स रिलेशन हो तो सबसे पहला याद किसको करना है, तो बट ऑब्वियस है उस केस में आपको आइडेंटिफाई करना है फोर्स को। बेसिकली फोर्स इज इक्वल्स टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पर हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे, तो ऑप्शन देखो, द मास इज एट द हाइएस्ट पॉइंट, द वायर इज हॉरिजॉन्टल, द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट। तो मेरे डायग्राम पर से आपको पता चलना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि यहाँ जब लोएस्ट पॉइंट होगा तो टेंशन फोर्स मैक्सिमम अवेलेबिलिटी में दिखता है हमको। इट्स अ क्लियर वे, राइट, फ्रॉम विच वी कैन आइडेंटिफाई। सो इट्स अ बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ब्रेक वैल्यू रिलेशंस ऑफ फोर्स। तो फाइनली उसमें थर्ड हमारा पॉइंट जो है, दैट इज वेरी क्लियर विथ अस। So please keep in mind, tension is maximum at the lowest position of the mass. So the chances of breaking is maximum at that particular time. So अगर tension को हम suppose force में लिखे ना, एक दूसरी trick भी बोलता हूँ। जैसे हमारा centripetal force का value क्या था, mv square upon r था। ये force को अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा मैं, that is simple कि
एक फोर्स टेंशन है और उसके ऑपोजिट में कौन है, एम जी अवेलेबल है, तो इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या हुआ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। और मान लो कि ये एम जी को आप सामने ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो गया ये टेंशन मैक्सिमम उस टाइम पर। तो बेसिकली हमारा आंसर थर्ड विल बी द राइट आंसर। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट। ये इक्वेशन यहाँ पर SHM के लिए अवेलेबल है। देन वॉट वी हैव टू कंक्लूड, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन विल बी गिवन बाय दिस। मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको बोलना चाहूंगा इसमें, कि यहाँ पर आप SHM की बात कर रहे हो, SHM माने क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एम्पलीट्यूड के केस को आप डिफाइन करना चाहते हो, किसके केस को, एम्पलीट्यूड के केस को। तो बहुत सिंपल सा यहाँ मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इंडिकेट करवाना चाहता हूँ, ये है साइन और ये है कॉस। तो अल्टीमेटली ये रिलेशन इंडिकेट क्या करता है, एक सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ही रिलेशन में आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली ये जो रिलेशन है, बेसिकली ये पॉइंट्स कितने एंगल से कनेक्टेड है, 90 डिग्री के एंगल से कनेक्टेड है। सो उस केसेस में अगर मॉड्यूलस का सिंपल फॉर्मूला आप सोचोगे तो आपको याद आएगा कि मोड ऑफ वेक्टर आर क्या था, फॉर्मूला याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या था, 2ab cos थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये बेस फॉर्मूला याद आना चाहिए। मैंने बोला कि एंगल रिलेशन कितना है, मैक्सिमम 90 डिग्री रिलेशन इज गोइंग टू बी देयर। ऑब्वियसली ये 2ab cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर सिंपली वो जीरो हो गया, तो फाइनल हमारा cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो ऑब्वियसली ये टोटल आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फाइनली यहाँ बचा कौन, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट वुड बी द फाइनल आंसर for this particular question. So the final answer which is available over here, that is number 2. Next question ko read kijiye, 800 turn coil. So aap question read karte jaye to uske sath hi aap ek cheez note down karte rahiye ki yahan par kaun kaun si value given hai aur hame find kya karna hai. So sabse pehle 800 turns are given, mane n available hai. फिर ये बेसिकली हमें 0.05 मीटर स्क्वायर, माने एरिया यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है, एरिया यहाँ पर गिवन वैल्यू है हमारा, सो एरिया इज अवेलेबल विथ अस, राइट। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, माने ये जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, बी की वैल्यू, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज अवेलेबल। व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अराउंड एनी of its coplanar axis, उसका मीनिंग ये हुआ कि पहले जो थीटा था वो 0 डिग्री है और उसको रोटेट करने के बाद हम कहां ले जाते हैं, 90 डिग्री पर, राइट। सो दो एंगल कंपोजिशन भी आपके पास अवेलेबल है। जो टाइम लगता है रोटेट होने में, जो टाइम लगता है रोटेट होने में, वो टाइम बेसिकली यहां पर दिया हुआ है, दैट इज डेल्टा टी वैल्यू, दैट इज नथिंग बट दी डेल्टा टी विच इज अवेलेबल विथ अस। सो सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, EMF induced। तो मैं तो बोलूंगा कि आपको फॉर्मूला एकदम लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, फैराडे का क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज EMF वैल्यू को आप E से डिनोट करो, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, गॉट इट। और डेल्टा फाई जो है उसमें सिंपली हमें फॉर्मूला क्या लिखना है, BAN, याद है ना, BAN। और सिंपली BAN क्यों लिखना है, तो वो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, BAN cos थीटा। अगर एक बार सिंपल ये पूरा आंसर अगर आपको लिखना है तो क्या आएगा, cos थीटा, लेकिन cos थीटा में जो रोटेशन होता है वो बेसिकली 90 डिग्री और 0 डिग्री का रिलेशन है, तो बाय डिफॉल्ट उसका आंसर क्या होगा, cos 0 की वैल्यू 1 आएगी और cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। सो फाइनल आंसर तो 1 ही होगा। तो जो थीटा का जो रिलेशन है वो माइनस करके लिखेंगे तो फाइनली वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर BAN अवेलेबल है और उसके बाद नीचे डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। सो डेल्टा टी की वैल्यू विच इज गिवन, दैट इज 0.1। सो फाइनली इफ आई से मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ था, चलो कितना दिया हुआ था, 5 × 10⁻⁵, दैट आई कैन पुट 5 × 10⁻⁵। एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी थी, 0.05, कितनी थी, 0.05, सो दैट आई हैव रिटन ओवर हियर।
उसके बाद जो हमें एरिया मिल गया, बी मिल गया, उसके बाद हमारा वैल्यू क्या है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 800, राइट। सो वो हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं पॉइंट वन। अभी आपको इसको सिर्फ इजीली सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल हैव द फाइनल आंसर। तो सिंपल कैलकुलेशन आप फॉलो करो और आपको फाइनल आंसर मिलता है 0.02 वाट। सो व्हाट वुड बी द फाइनल ऑप्शन, यस ये रहा फोर नंबर, आप देख सकते हो फोर नंबर 0.02 वाट। स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर एंड मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस विथ अस। Thank you very much.